बचे हुए चावल और एक चम्मच तेल से बिना सूजी के आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे चावल। यहाँ मेरे बचे हुए चावल एक छोटी कटोरी है, आपके पास जितना आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बस इस नाश्ते को बनाते समय चावल को आप नाप के लिए, और अब हम लेंगे एक छोटे वाला मिक्सर जार और इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च। हरी मिर्च को यहाँ मैंने तोड़ के डाला है, और एक से दो टुकड़ा अदरक का डालेंगे। और अब हम बचे हुए चावल डालेंगे। आप डेली खाने के लिए जो भी चावल यूज़ करते हैं आप उसी का यूज़ कर सकते हैं, उससे ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा। और अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच या स्वाद अनुसार नमक। नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हल्का बने इसके लिए हम इसमें डालेंगे दो चम्मच बेसन। बेसन डालना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसे डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से पानी, लगभग यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच पानी डाली हूँ। और अब हम क्या करेंगे, जार का ढक्कन लगा करके इसका एक महीन पेस्ट बना लेंगे। और अब आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट बहुत ही बढ़िया और दानेदार बन के तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पेस्ट को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे या ट्रांसफ़र कर लेंगे। चावल को हम बिल्कुल महीन नहीं पीसेंगे, हम थोड़ा दानादार ही रखेंगे, जिससे ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट और सॉफ्ट बनती है। और अब हम क्या करेंगे, स्पैचुला से इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी चावल का आटा। जितना हमने चावल लिया था सेम उतना ही हमें चावल का आटा भी लेना है। और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसमें 1.5 कटोरी चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल ना करें, नहीं तो नाश्ता आपका थोड़ा हैवी बनेगा और इतना ज़्यादा सॉफ्ट और लाइट वेट नहीं बनेगी। और चावल का आटा डाल करके हम इसे अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे, जिससे इसका एक थिक और गाढ़ा बैटर बनके तैयार हो जाएगी। और अब हम इसमें 2 चम्मच घर का बना ताजी खट्टी दही डालेंगे। ये दही थोड़ी सी खट्टी है तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। दही डालने से हमारा जो नाश्ता है वो थोड़ा सा उसमें खट्टापन आता है, और ये ज़्यादा हल्की और सॉफ्ट बनेगी। और दही की वजह से हमारी जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी। तो हम दही डालकर इसे फिर से बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने सिर्फ 2 चम्मच दही का यूज़ किया था, और आप देख सकते हैं बैटर हमारा काफ़ी अच्छा और लाइट वेट ही दिख रहा है। और दोस्तों, अगर आपके पास चावल का पाउडर या आटा नहीं है तो आप इसकी जगह सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। सूजी आप सिर्फ 1 कटोरी डालें, जैसे हमने चावल का पाउडर यूज़ किया था। और अब हम इसमें 1 चुटकी जीरा डालेंगे। जीरा डालकर फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रखेंगे, जिससे चावल का जो आटा है वो अच्छे से इसमें फूल जाएगी। और अब हम एक इस तरीके का राउंड शेप का टिफ़िन या फिर आप कोई सा भी थाली या प्लेट ले सकते हैं, और इसमें 1/2 टीस्पून हम तेल डालेंगे। तेल डालकर हम इसे अच्छे से ब्रश से ग्रीस कर लेंगे, जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही बढ़िया से इसमें सेट हो जाएगी। 2 मिनट हो गए हैं, बैटर हमारा काफ़ी अच्छे से रेस्ट कर लिया है, और आप देख सकते हैं बैटर काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से 4 चम्मच और पानी डालेंगे। पानी डालकर हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, और बैटर हमारा काफ़ी अच्छे से स्मूथ और लाइट वेट भी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टेज पे इसमें फ्रूट सॉल्ट या फिर हम इसमें इनो डालेंगे। इसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच, और इसमें 1 छोटी चम्मच हम इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे। आप कोई सा भी फ्लेवर का फ्रूट सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1 से 2 बूंद पानी डालेंगे, जिससे फ्रूट सॉल्ट अच्छे से एक्टिव हो जाएगी। और फ्रूट सॉल्ट डाल करके हम इसे अच्छे से बैटर में कंटिन्यू मिक्स कर लेंगे, जिससे बैटर हमारा काफ़ी अच्छे से इनो के साथ मिक्स हो जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, ग्रीस किए हुए टीन में सारे के सारे बैटर को इस तरीके से ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब यहाँ मैंने दूसरे तरफ एक बड़े बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, यहाँ मैंने 1/2 ग्लास पानी डाली हूँ। और अब हम इसमें 1 प्लेट डालेंगे और अपना बैटर वाला टिन डालेंगे, और गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। और अब हम इसे कवर करके
पानी को अच्छे से बॉईल होने देंगे और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे स्टीम कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं 15 मिनट हो गए हैं और हमारा बचे हुए चावल से स्वादिष्ट नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये इजीली बर्तन में से हमारा नाश्ता निकल आएगी। और अब हम क्या करेंगे, एक स्पैचुला या फिर नाइफ से इस तरीके से इसके किनारे को मोल्ड में से अलग कर लेंगे, जिससे हमारा जो नाश्ता है इजीली बाहर निकल आएगी। और अब आप देख सकते हैं मैंने इसके किनारे को निकाल लिया है, तो हम इसे पलट देंगे और इसे थाली या प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इसके पीछे वाले साइड में कितना परफेक्ट और जाली बना हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, एक चाकू लेंगे और चाकू से इसे आप अपने मनचाहे शेप में इसे कट कर सकते हैं। यहाँ मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ, ये इजीली कट जाते हैं और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब लगता है। और हमने इसे बिना सूजी के बनाया तो ये और भी ज़्यादा लाइट और टेस्टी बनता है। और अब आप देख सकते हैं मैं दूसरे साइड से भी इसे इजीली कट कर ले रही हूँ, जिससे हमारा नाश्ता देखने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। और अब आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है और इसके अंदर तक कि एकदम परफेक्ट जाली आई है। तो हम इस तरीके से सारे नाश्ते को अलग कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे भी चटनी के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। लेकिन हम इसे थोड़ा सा और ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और पैन में एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालकर पैन में अच्छे से इसे गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें एक चौथाई चम्मच सरसों के दाने डालेंगे और इसमें हाफ़ टी स्पून या एक चौथाई चम्मच जीरा भी डालेंगे और इन सभी को अच्छे से ऑयल में पकने देंगे। और अब हम इसमें दो इस तरीके से बड़ी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 5 से 6 कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता आप इसमें ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। और हम इसमें एक चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे, सफ़ेद तिल से भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और तड़के को हम पैन में अच्छे से चला लेंगे, जिससे तड़के हमारे जलेंगे नहीं। और इस तरीके से आप इस रेसिपी को बना के बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। और अब हम बचे हुए चावल के नाश्ते को तड़के में डालेंगे। तड़के में डालकर इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से चलाते हुए इस तरीके से हम तड़के के साथ मिक्स कर लेंगे, जिससे ये और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल लगेंगे। और अब हम इस 1 चम्मच सांभर पाउडर डालेंगे। सांभर पाउडर डालकर इसे भी अच्छे से हम नाश्ते में मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आप सांभर पाउडर डाल के इसे बनाएंगे तो आपको चटनी या फिर सॉस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं लगेगी और आप इसे ऐसे ही खाएंगे, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। और आपके पास अगर सांभर पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह सूखी जो लाल चटनी आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे बिना चटनी के ही बनाएं, ये खाने में बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट लगेंगे। और चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और अब आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी बन के तैयार हो गई है। तो आप भी इस तरीके से सुबह के नाश्ते में कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो तो इसे ज़रूर बनाएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ।